नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुड़रमा प्रखंड की उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ठहरी टांड के ठीक पीछे संजय मुर्गा दुकान में दिन के उजाले में ही खुलेआम मांस के साथ शराब परोसा जा रहा है। बताते चले कि जब हमारी टीम उस जगह पर पहुंची तो देखा गया कि विद्यालय के पीछे काफी संख्या में शराब और बियर की बोतलें फेंकी हुई थी। इस संदर्भ में जब दुकान संचालक संजय साव से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ सुबह 11 बजे से देर रात तक मुर्गा मछली और शराब की बिक्री की जाती है। वो भी शराब देशी महुआ और इंग्लिश की भी बिक्री की जाती है। इस तरह से शराब की बिक्री विद्यालय के ठीक बगल में की जा रही है और उत्पाद विभाग व स्थानीय प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं, जबकि सरकार के आदेशानुसार देखें तो विद्यालय से 100 मीटर की दूरी तक नशीली पदार्थ की बिक्री व सेवन करना कानूनन अपराध है। फिर भी इस प्रकार की दुकान का संचालन कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत को दर्शाता है। इस संदर्भ में जब विद्यालय के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि दुकान में शराब बिकता है और पीने वाले शराबी विद्यालय परिसर में भी आकर शराब का सेवन करते हैं। जब हम सब विद्यालय आते हैं तो शराब की बोतलें और चखना का दोना, सिगरेट आदि को हम सब मिलकर साफ करते हैं। बताते चले कि दुकान बीच गांव में है और गांव के घरों में बहु बेटियां भी रहती हैं। शराबी पीने के बाद अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में गांव की बहु बेटियों को भी घर से निकलना दुभर हो जाता है। इतना ही नहीं, उस गाँव में सिर्फ एक ही नहीं, इस प्रकार की कई दुकानें संचालित हैं जिसे प्रशासन और उत्पाद विभाग को बंद कराने की आवश्यकता है। क्या क्या मिलता है दुकान में? मुर्गा दुकान में क्या क्या मिलता है पता है? और दारू भी मिलता है ना? हाँ। देखा है तुम लोग दारू मिलते हुए? हाँ। यहाँ स्कूल में आके पीते हैं? अच्छा। हाँ, तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं अपना टीचर से? बोले यहाँ के दारू पीता है सब तो? उठा दीजिएगा। अच्छा, आप लोग साफ करते हैं? यहाँ बोतल फेंक देते हैं शराब पी कर? तो आप लोग भी बड़ा होकर शराब पीजिएगा क्या? यहाँ का इस तरह का समाज है, डर से हम लोग नहीं किए क्योंकि इसी मोहल्ला का रहने वाले हैं, बच्चों का भविष्य है। एक बार कभी किए थे जीवन में तो पूरा समाज से बहिष्कार हमको कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो शराब बिकता है यहाँ? हाँ बिकता है। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, उस पर क्या असर होगा? कभी कभी बरामदा में सीसी बोतल ला करके यहाँ रखते, चखना यहाँ, मुर्गा यहाँ, हम हटाते हैं उसको, खुद हटाते हैं बच्चे, हम हटाते हैं उसको। सीसी बोतल मिलेगा आपको यहाँ बैठ के लोग भी कभी कभी रात में। तो पदाधिकारी को आप लोगों का कंप्लेन करना चाहिए? नहीं किए हैं सर, नहीं किए भाई, गांव का समाज है, गांव घर में फिर। तो क्या गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ शराब बिके? 99% यहाँ के पीने वाले हैं तो चाहेंगे ही कि जहाँ नज़दीक में मिले।